लापता पनडुब्बी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। ओशियन गेट कंपनी के मुताबिक टाइटैनिक को देखने के लिए 5 लोगों को लेकर जो पनडुब्बी रवाना हुई थी उसका अभी कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अब उसमें सवार सभी लोगों को मृत माना जाना चाहिए। कंपनी ने इस घटना को लेकर कहा है कि टाइटैनिक की ओर जाने वाली लापता पनडुब्बी पर सवार 5 चालक दल के सदस्यों की उनके जहाज के विनाशकारी विस्फोट से मृत्यु हो गई। कंपनी ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कंपनी ने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और घटना के मौत के बारे में जिक्र किया। कंपनी ने इस हादसे को लेकर एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा है कि ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिसमें साहस की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और उन्हें बचाने का गजब का जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि खोज के दौरान अज्ञात आवाजों का पता चला था, लेकिन उन आवाजों को लापता जहाज से जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में ये कहना है कि वो आवाज उसी पनडुब्बी की थी, ये गलत होगा। लापता जहाज जिसे टाइटैन के नाम से जाना जाता है वैश्विक आकर्षण पैदा कर दिया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जहाजों और विमानों के एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़े ने कनेक्टिकट के आकार से दुगने आकार के उत्तरी अटलांटिक के क्षेत्र को बेतहाशा छान मारा गया। टाइटन के अनुमानित 96 घंटे की ऑक्सीजन की आपूर्ति शून्य हो जाने के कारण बचाव कर्मी उनकी तलाश में लगातार लगे हैं।